और नंदी इतने वर्षों से हमारे साथ ही रह रहे थे, नंदेश्वर के रूप में। ये क्या कह रही हैं आप पुत्री? नंदेश्वर और नंदी? हाँ माते, महादेव ने उन्हें हमारी रक्षा और धर्म के कार्य में सहायता के लिए भेजा था। गंगा कहाँ है? वो कहाँ है तो मुझे भी नहीं पता। किंतु तुम्हें तो सदैव गंगा के साथ ही रहना चाहिए ना। तुम्हें से किसी को भी गंगा की तनिक भी चिंता नहीं। कितने अभागे हैं हम। नंदेश्वर इतने वर्षों से हमारे साथ है और हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। वो आने वाले संकटों से हमारी रक्षा करते रहे और मैं केवल उन्हें डांटती ही रही। नंदी हमारे सम्मुख ही लुप्त हो गए और हम कुछ नहीं कर पाए, किंतु महादेव और नंदी ने सदैव हमारी रक्षा की। इसलिए हमारा भी धर्म बनता है कि हम उनकी सहायता करें। इसलिए हम महादेव के सभी रहस्यों को लौटा के ही रहेंगे। हम धन्य हुए आप जैसी पुत्री पाकर। संसार सदैव ईश्वर से कुछ पाने की कामना करता है और चाहता है कि ईश्वर उनकी सहायता करे, उनकी सारी पीड़ाएं हर ले। किंतु आप इस संकट के समय में महादेव के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। भक्ति करना तो संसार को आपसे सीखना चाहिए पुत्री। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो कहिए पिताश्री, हमें क्या करना होगा? महादेव के सभी रहस्यों को लौटाने के लिए सर्वप्रथम आपको उन रहस्यों का भेद जानना होगा। ये जानना होगा कि चंद्र, त्रिनेत्र, रुद्राक्ष, त्रिशूल, डमरू, सर्प, भस्म और नंदी का रहस्य क्या है और महादेव उन्हें क्यों धारण करते हैं। आओ मेरे साथ। संसार से महादेव का लोप हो गया है और देवेंद्र अब भी अपने आनंद में डूबे हुए हैं। मुझे भय है कि यह आनंद कहीं स्वर्ग को पुनः अंधकार में न कर दे। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? प्रकाश कैसा गुरुदेव है? यह दुस्साहस किसने किया? कौन है वो जिसने हम देवों को बंदी बनाया है? क्योंकि आनंद बनाना अधर्म है और दुख भोगना ही धर्म। भ्राता इंद्र, यदि आपने मेरी बात पहले मान ली होती तो आज हम असुर और देव दोनों स्वर्ग का आनंद उठा रहे होते। किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी तो अब
संपूर्ण देवलोक पे केवल और केवल मेरा अधिकार है, तारका सुर का अधिकार। अब अग्नि भी मैं हूं और जल भी मैं, असुरों का सम्राट भी मैं हूं और देवों का अधिपति भी मैं, बुद्धि भी मैं हूं, ज्ञान भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं और अधर्म भी मैं। तो देवो अब बोलो, तुम्हें तार का सुर से अब बचाएगा कौन? कहीं तुम सब उस नन्ही बालिका गंगा के बारे में तो नहीं सोच रहे? से देखो महादेव की इस प्रतिमा को और उनके धारण किए हुए रहस्यों को। आज मैं तुम्हें इन्हीं रहस्यों से अवगत कराऊंगा जो इस सृष्टि का आधार है। पुत्री, महादेव का प्रथम रहस्य है पंच महाभूत, जिसे संसार भस्म के नाम से जानता है। पिताश्री, ये प्रश्न सदैव हमारे मन में था। जिस भस्म को सभी मनुष्य अपने घर में लाना अशुभ मानते हैं, उसे महादेव अपने शरीर पे क्यों लगाते हैं? पुत्री, अधिकांश लोगों को लगता है कि उनके जीवन की यात्रा शमशान में आकर भस्म के रूप में समाप्त हो जाती है, किंतु उसी शमशान से उसकी दूसरी यात्रा आरंभ होती है, एक अलौकिक यात्रा। और इसीलिए महादेव शमशान के भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं, क्योंकि भस्म ही मनुष्य की सांसारिक और अलौकिक यात्रा के मध्य एक कड़ी है, दो लोगों के बीच एक सीढ़ी है, जिसे महादेव अपने शरीर पर धारण करके पूरा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि महादेव संसारिक जीवन यात्रा के सभी कष्टों को भस्म के रूप में अपने शरीर पर धारण करते हैं और फिर सभी मनुष्य को दिव्य यात्रा की ओर प्रस्थान कराते हैं। हाँ पुत्री, महादेव इस संसार के कष्टों को अपने शरीर पर श्रृंगार की तरह धारण करते हैं। आप धन्य है महादेव, धन्य है। पिताश्री, अन्य देवी देवताएं अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, किंतु महादेव केवल एक त्रिशूल धारण करते हैं। इस त्रिशूल का क्या रहस्य है? पुत्री, ध्यान से देखो महादेव के त्रिशूल को। देखने में ये केवल शस्त्र है, किंतु इसके तीनों शूल रज सत और तम के प्रतीक हैं। रज सत और तम? हाँ पुत्री,
ये तीनों गुण सृष्टि के आधार हैं। जब ब्रह्मनाथ के पश्चात सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब ये तीनों गुण सृष्टि में स्वयं ही प्रकट हो गए थे। किंतु इन तीनों गुणों को नियंत्रित किए बिना संसार का संचालन संभव नहीं था। और तब महादेव ने त्रिशूल के रूप में तीनों गुणों को धारण कर सृष्टि को संतुलित किया और उसके बाद ही सुचारू रूप से सृष्टि का विकास हो सका। किंतु पिताश्री, महादेव ने सत, रज, तम इन तीनों गुणों को शूल के रूप में ही क्यों धारण किया? पुत्री, इन तीनों गुणों को शूल के रूप में धारण कर महादेव संसार को यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर को पाना शूल के समान ही होता है। फिर चाहे वो रजोगुणों, सद्गुणों या तमोगुण ही क्यों ना, ईश्वर को पाना सदैव कठिन होता है। भ्राता इंद्र, देवों, जिस प्रकार तुम्हें अप्सराओं के नृत्य में आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार मुझे तुम्हारे कष्ट में आनंद प्राप्त होता है। तुम सब शांत क्यों हो गए? पुकारते क्यों नहीं अपनी उस पाप नाशिनी गंगा को? पुकारो! ठहर जाओ तारकासुर। परम पिता, आ गए आप, वो भी बिना बुलाए। परम पिता, इन देवों के कष्टों की तो बड़ी चिंता है आपको, किंतु हम असुरों के ऊपर हुए दुख की ओर आपका ध्यान तक नहीं गया। तारकासुर, हम यहां केवल देवों के लिए नहीं अपितु तुम्हारे हित के लिए भी आए हैं। हम जानते हैं धर्म पूर्वक तुमने ये शक्तियां अर्जित की हैं, अब अधर्म के मार्ग पर चलकर इन शक्तियों को नष्ट न करो। शक्तियों के अहंकार में तुम अपनी मर्यादा भूल गए हो, किंतु परमपिता होने के नाते हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं कि तुम देवताओं को छोड़ दो, अन्यथा ये अहंकार तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जाएगा। ब्रह्म साहब, अंत? तारकासुर का अंत, सती का अंत हो चुका है और शिव शून्य हो गए हैं, तो अब इस तारकासुर का अंत करेगा कौन? पिताश्री, हम जितना महादेव के रहस्यों के बारे में जानते जा रहे हैं, हमारी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। आप हमें तीसरे रहस्य के बारे में बताइए ना, कि महादेव अपने मस्तक पे चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक तो है ही, साथ में ही उपारदर्शी और अपारदर्शी भी है। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री। पुत्री, मनुष्य के दो मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन अर्थात अपारदर्शी और अवचेतन अर्थात पारदर्शी। चेतन मन में केवल
इस जन्म का ही ज्ञान प्रकट होता है, किंतु अवचेतन मन में जन्म जन्मांतर का ज्ञान संचित होता है। अब हम समझे कि हम जो जानते नहीं है हमें वो भी जानने का आभास क्यों होता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमें संकेत देता है। हाँ पुत्री, केवल ऋषि मुनि और कुछ विशेष लोगों का ही अवचेतन मन जागृत होता है। महादेव चंद्रमा को अपने मस्तक पर केवल इसीलिए धारण करते हैं ताकि वो मनुष्यों के चेतन और अवचेतन मध्य के मध्य एक संतुलन बनाए रखे। इसका अर्थ ये हुआ पिताश्री कि महादेव के कारण चेतन और अवचेतन के मध्य भेद बना हुआ है। किंतु पिताश्री, महादेव ने ऐसा क्यों किया? यदि संसार में सभी लोगों को इसका ज्ञान हो गया तो संसार में अधिक लोग ज्ञानवान हो जाएंगे। नहीं पुत्री, अवचेतन मन में जन जन्मांतर के पाप, अपराध, अवगुण, दोष सब छुपे होते हैं। यदि मनुष्य का अवचेतन मन जागृत हो गया तो अपने इस जन्म के कर्मों को भूलकर अपने पिछले जन्म के चिंताओं में ही उलझकर रह जाएंगे। हम समझ गए पिताश्री, महादेव अपने मस्तक में चंद्रमा धारण करके सभी मनुष्यों की अनेकों चिंताओं का समाधान करते हैं। देखा तुमने देवो, तुम्हारे परमपिता इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव तारकासुर से भयभीत होकर भाग गए। अब तुम सब किसकी शरण में जाओगे? हा? कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? चुप क्यों हो तुम सब? चुप क्यों हो? पुकारते क्यों नहीं अपनी पाप नाशिनी गंगा को? तारकासुर देवी गंगा संपूर्ण सृष्टि के पुण्य का प्रतीक है, अगर वो यहां आ गए तो तुम्हारा और तुम्हारे अधर्म का अंत निश्चित है। लगता है तुम्हें उस गंगा पर बहुत विश्वास है कि तुम्हारी देवी गंगा तारकासुर का अंत कर देगी। ये तुम्हारा विश्वास नहीं अपितु अंधविश्वास है, और तुम्हारे इस अंधविश्वास का अंत मैं करूंगा, उस कल्याणकारी गंगा का अंत करके। पिताश्री, महादेव के त्रिनेत्र का क्या रहस्य? त्रिनेत्र अर्थात त्रिकालदर्शी। महादेव अपने तीनों नेत्रों से वर्तमान, भविष्य, भूत सब कुछ देख सकते हैं। त्रिकालदर्शी होने के कारण महादेव संसार का सदैव मार्गदर्शन करते रहते हैं। समझ गए पिताश्री, किंतु महादेव के डमरू का क्या रहस्य है? डमरू का अर्थ होता है नाद और स्वर। कहते हैं जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसमें स्वर तो था किंतु संगीत नहीं था। महादेव ने अपने डमरू के द्वारा इस संसार के स्वरों को संगीतमय बना दिया। पिताश्री, सर्प को तो अधिकतर मनुष्य अहितकारी समझते हैं, तो फिर महादेव उन्हें धारण क्यों करते हैं? उसका रहस्य क्या है? पुत्री, सर्प कुंडलिनी का प्रतीक है और साथ ही प्रकृति और मनुष्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है। सर्प को धारण कर महादेव ये संदेश देते हैं कि प्रकृति के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति है तो मनुष्य है,
और प्रकृति को जानकर ही मनुष्य स्वयं को जान सकता है। पिताश्री, हम महादेव के रहस्यों के बारे में जितना जान रहे हैं, हमें उतने ही अधिक जानने का मन कर रहा है। आप हमें रुद्राक्ष के बारे में बताइए ना। पुत्री, रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्षा। अक्षा अर्थात अश्रु की बूंद, और इस तरह रुद्राक्ष का अर्थ हुआ महादेव की आंख से निकला हुआ अश्रु। तो पिताश्री, क्या रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के अश्रु से हुई है? हाँ पुत्री, रुद्राक्ष महादेव का इस संसार को दिया हुआ एक वरदान है। संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए महादेव ने इसे प्रकट किया है। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.